ये तुम बकवास आदमी है, सच में तुम दोनों के दोनों एक जैसे कर रखे हैं। ध्यान तुम तो कहते हैं कि मुझे अभी अपन गाड़ी ये क्या नोटिंग किया क्या कर रही? अरे मारो 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 मारो। तो हेलो दोस्तों, एक और नई ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों देख रहे हो, अभी अभी मैंने दिखाया है पूनम की नौटंकी। अपने आप को बोल रही है कि बुखार चढ़ा है, बुखार चढ़ने में कोई ऐसी हरकत करता है? ये देखो, अरे क्या हुआ? बुखार लगी है तो कोई ऐसी हरकत करता है? मैं सबको दिखा रहा हूँ, मैंने ब्लॉग चालू कर दिया है, मैंने ब्लॉग चालू कर दिया है। यही माथा तो हिला, मैं सबको दिखाऊंगा। अरे दिखाऊं मैं मम्मा को? दिखाऊं? मम्मा भूत जैसी हरकत करती है ना तो ये इस तरीके से करती है ना। एक टाइम और था जो कमरा चेंज किया था और ये पता नहीं बहाने कर रही थी, क्या कर रही थी, लेकिन बोल रही थी भूत आ गया, भूत आ गया, आंखें पटी की पटी रह गई। उस तरीके से मुझे डराना चाहती है। मैं सबको दिखाऊंगा। उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, अगर करता होता ना मैं पक्का दिखाता दोस्तों आप लोगों की इसकी नौटंकी। और फिर मुझे अगले ही दिन मुझे वो कमरा चेंज करना पड़ा। अरे दवाई ले लो कोई नहीं। आरू पीता 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 आरू को बुखार लग गया। देखा दोस्तों, आरू को भी बुखार आ गया था और पूनम को भी बुखार आ गया, और ये सब कुछ हुआ कूलर में लेटने से। वैसे तो हम लोग इसी कमरे में लेटते हैं, उस वाले कमरे में कूलर लगा हुआ। एक बार रात में लेट गई, परसों लेटे थे ना, मैं भी गया था, मेरा भी थोड़ा लग रहा था। दो दिन पहले अपने बल्ब दिखा के लाए थे आरू को, तो नीचे लेटने से क्या होगा, थोड़े से ठंडक मिल रही है। आरू बच्चा नहीं, पहले आरू को नहीं दिखाऊंगा, है ना। तो दोस्तों अभी थोड़ा सेब भी मेरी बड़ी बड़ी हो गई है काफी, मैं तो घर ही पे बनाता हूँ। और अभी मैं फटाफट यूँ गया और यूँ आया बना के, और फिर दो मिनट ही लगेगा मुझे, मैं आया जब तक आप पूनम के साथ रहिए। आज ऐसे बुखार चढ़े ना मेरे को, कुछ बता नहीं सकते आप लोग को। आरू की वजह से आरू को दूध आरू संग रह रहे के मेरे को भी बुखार चढ़ गया गाइस। अब लग रहा है आरू सही है थोड़ा बहुत, तभी पापा बहुत कहने लगा ना। पापा बोलता है तो सही रहता है? नहीं तो माना ये है कि चिड़चिड़ा सा रहता है, मतलब अगर वो सही नहीं रहता है ना तो फिर वो मेरे पास चिड़चिड़ के रहता है, और अगर वो सही नहीं रहता है, सही रहता है तो तुम्हारे पास पापा पापा आगे पीछे होता रहता है। क्या हो गया? अब इसको पकड़ो, मैं जा रहा हूँ। तो भाई क्या बताएं आप लोग को, नहीं तो तबियत खराब, मेरा को मन नहीं हो रहा दवाई लेने, क्योंकि देखो मेरे को जाना पड़ेगा दवाई लेने, आओ भी आरू को लेके। अब मम्मी गई हुई बाहर, पता नहीं लग रहा मौसी की गई है घर पे की काम, मुझे भी बताया नहीं अभी इसीलिए। और आरू भी जा तो पीछे पीछे आरू को लिए, गोदी तो मुझे चक्कर से आने लग गए मेरे को, इसीलिए भी दवाई भी लेने जाना होगा तो मुझे जाना होगा, मेरे को सड़क पार करना होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि चिकन गुनिया हो गया। हाँ यार मशीन के ऊपर आके ले लेना है, फ्रिज के ऊपर आगे तुम्हें पता नहीं है कहाँ है ये जो बन बना है ना मशीन, पी खाना। अरे यहाँ पकड़ लोगे, यहाँ पे ब्रश रखा है ना, मतलब तुम्हें निकालना पड़ेगा, तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ से। मेरे को यहाँ मन नहीं हो रहा, समझो बुखार लग रहा था, तुम्हें लगता है खड़े होने मन होता है, ऐसे लगे पाए हाथ की उंगली होगी हड्डी होगी सब दर्द होता है, इसलिए तो सोचते हैं थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अरे देखो ना यार यही होगा, देखो ना ठीक से दिन आ रहे हैं, सब सेविंग करने जा रहे हैं, देख रहा पापा कहाँ गए कहाँ गए। आरू
बदमाशी है करता है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। तुम दोनों के दोनों एक जैसे कर रखे हो। तुम तो कहते ना कि मुझे मुझे रख लिया करो, दाढ़ी हटाते हो एक तो सालन से कह रहे तो बार मार देने अच्छा नहीं लगता हूँ। कोई नहीं, दिल से बोल रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? वहाँ कोई नहीं है, जाओ। बापू गए, बेटा हो जा रहे हैं। थोड़ा पैरों में दर्द हो रही है, तो ऐसा मन हो रहा है ना, वीक ऐसी लग रही है, मन भी नहीं हो रहा कहूँ चलने का। टीवी देखेंगे आज हम लोग, टीवी देखेंगे। काफी दिन हो गया हमने टीवी नहीं देखा ना, आज हम लोग टीवी देखेंगे। मम्मी कामी पता नहीं हमको बता देंगे कैसा मुंह बना रही है। हम कह रहे अब उनको लगता ना, तब तुम्हें लगता क्या लगता ऑफिस तो तोड़ दिया ना बैड को। कह रहे हैं कि लो रिमोट करो, चालू करो। मम्मी देखो ना तो दवाई ले लो, मेरे चलने में मन नहीं हो रहा है। अभी जैसे कम होते ना वो पूरा तरह सही टूट रहा, जीने को नहीं कर पाए ऐसे मन होता। मम्मा हम तो इतने एक ही फिल्म देखती रहती है। देखो देखो कार्टून आ गया, देखो देखो गाइस अब आरू भी टीवी देख रहे हैं, उसके पापा भी दिखा रहे हैं टीवी। इनको कहते हैं मत दिखाया करो, क्योंकि दादी भी दिखाती रहती है एनी टाइम टीवी, एनी टाइम। क्योंकि आरू देखना टीवी से बिगड़ जाएगा, कि हमेशा ऐड किसी को देखने नहीं देगा फिर टीवी। खाना वाना बताओ यार, तुम बैठ कर बना लो, तुम बना लो। मैं जा रहा हूँ होटल से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा होटल का खाते हैं। पैसे हैं उतना? वैसे तो पैसे तो है नहीं। देखा दोस्तों, अभी मिन 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 बोल रही थी, अभी देखो पैसे वाली बात आई, तो देखो कैसे इतनी फुर्ती आ गई। देखो घर का खाना अच्छा लगता है, ठीक है। बाहर का खाना तुम्हें ना जीव लंबा होगा, वही तुम अपना वो करोगे, ठीक है ना। अच्छा बनाएगी तभी तो बना तो सही, मुझे भूख लग रही है। मगर दाल चावल तुम्हें अच्छा नहीं लगता? वही दाल चावल अच्छे नहीं लगते, इनको बोलो कि दाल चावल खाना। दाल चावल भी अच्छे लगते हैं, दाल चावल रोटी और अचार वगैरह और प्याज वगैरह और सब कुछ। दाल तो सही बना तो सही, कब बनाएगी जब लाएगी। हम सोचे थोड़ा सा आराम कर लेंगे, लेट जाना था मुझे उधर, तो कमरा ऐसी गंदा है। तो गाइस आंशु भी और आरू भी तो अपना देख रहे हैं, भी आराम करते हैं कमरे में, काम करें काम करें। हम तबीयत बड़े जोर से खराब है, वो करें जेंसो हमारे संग अपने आप को बात नहीं मानते, करें करें बड़े दुखी है। नीचे बैठ जाते जा तुम्हारे कि मैं खंडो से आराम मिल गया, हमें बड़ा ना घबराहट सी मन हो रही है। अब अंशु हमारा कह रहे हैं कि अब हम बाहर के खाने के लिए मंगवाने के लिए बाहर खाना लेने जाएंगे हैं, तो क्या करें। हम तो हमसे तो बनन की कोई फुर्सत ही नहीं है, बनने को मन नहीं कर रही हमसे। अब हम बाहर जाएं कचू रोटी बनाएं, चाहे बाहर जाके रोटी ले आए या बनाएं, मैं को मन नहीं हो रही है हमें। मेरे बेटे को लल्ला को संभालनी है, आज हम नाव नहीं है। तो आए कि हमें बुखार चढ़ो दोपहर ही से, खा करे बड़ा बड़ा सही पिरा है रोज सही में, ऐसा लगो चिकन दुनिया हो गई हमें।
जस्ट वहां दवाई लेने नहीं जा रहे हम। हमने बहुत दिन पहले वंशु की दवाई ले आए के रखे थे, माने एक ही गोली खाओ तो है, दिखाया जाए तो तुम्हें नहीं तो चेक करियोगे तुम लोग कि हमने दवाई खाओ नहीं है। मन नहीं होगी खड़े हो जाए तो बैठन को मन नहीं होगा, बैठन जाए तो खड़े होने को मन नहीं करती है। देखते हैं ना जामे है ओके नहीं है, देखो जामे लिखी है कि पैरासीटामोल है। हाँ दो हजार कहाँ आए गए तुम, नेक लाइट पर बंद कर दो कि नहीं, क्या करता हूँ, नेक लाइट बंद कर दे, वाह मेरे बहुत दिल आ रही है कि जाओ यार। सुनो ना हम सोच रहे हैं दवाई रखी है कहाँ रख रही है, हमने दे रहे हैं चल रही लग रहा है, दवाई खा लो थोड़ा आराम कर ले। हमको ऐसा मन हो रहा है, हमको ऐसा मन हो रहा है की आके हम बंद रखें, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करे, मुंह दर्द हो रही है। तो चलो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा रहेगा और आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। आरू क्योंकि पूनम की है थोड़ी हालत खराब, थोड़ी नहीं बहुत हो रही गाइस, सही बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ओहो बहुत हो रही है। तो दोस्तों आगे न्यू वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अब बाय बाय तो कर दो, बाय बाय। चेहरे से भी लग रहा है पूनम का कि हाँ भाई हालत खराब है, आलू की तबीयत खराब, कभी मेरी तबीयत खराब, कभी पूनम की तबीयत खराब, मैं इसी में जाऊँ।